हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और 31st लेक्चर में आप लोगों को आइए आइए स्वागत करता हूँ। सुनिए, अब बात को समझिए। आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि जो मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के दो पार्ट हो सकते हैं अगर हम आधार बनाएं कि वो मैग्नेट में बदला जा सकता है या नहीं, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट मटेरियल और नॉट। तो जाहिर सी बात है दो पार्ट क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कोई भी पदार्थ दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। क्या मतलब है भाई इसका, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल इसका क्या मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ये जो कई प्रकार के मटेरियल होते हैं इनसे जुड़ा आता है क्वेश्चन, हमेशा आता है, गारंटी है हमेशा आता है, इस बात का दावा लिख लेना, मैं कह रहा हूं तुमको आता है, माने आता है, तुम्हारा पेपर होगा और गारंटी इसमें से दो या तीन नंबर का पेपर से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे और इससे जुड़े मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी देखेंगे, काईएम जो होता है वो क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ है दो तरीके के होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब चुंबकीय पदार्थ और नॉन चुंबकीय पदार्थ, मतलब वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबक बनाए जा सकते हैं, मतलब जो मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, चुंबक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बनाए जा सकते हैं। अब नॉन मैग्नेटिक मटीरियल वो हैं जो चुंबक नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है चुंबक बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब लैब में ही बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल मैग्नेट होगी ये, ठीक है। तो पेपर में यही सवाल पूछते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट तो होगी, ये तो बात तय है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट किससे बनती थी, एलनिको से, मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है, इससे दो लेक्चर पहले में मैंने आप लोगों को करवाया था मैग्नेट वाले में, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मटीरियल है इससे पेपर में सवाल आते हैं कि चुंबक बनाए जा सकते हैं, जिनसे चुंबक बनाई नहीं जा सकती हमें उन्हें पढ़ना ही नहीं है, हमें आगे उसका रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, अब हमें आगे जो पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं जिनका मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। और वो कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चुंबक बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। तो पांच तरीके के होते हैं, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, एंटीफेरो, फेरो एंटीफेरो फेरी मैग्नेट, ठीक है। तो सेरी नहीं, फेरी मैग्नेट है ना, फेरी मैग्नेट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक, एंटीफेरो, फेरी, ठीक है। तो ये किसके पार्ट है, सारे मैग्नेटिक मटेरियल के पार्ट है, इसे तो हमने पढ़ना ही नहीं है, जो चुंबक नहीं बनाए जा सकते वो हमारे मतलब के काम के है ही नहीं है, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और हम लोग इसी का पार्ट पढ़ने वाले हैं जो अब ये पढ़ रहे हैं। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, प्रतिचुंबक, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, एंटीफेरो एंड फेरी, पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा आप लोगों को, इससे सवाल कोई नहीं छूटने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं यार, मजा आ जाएगा अगर ये पूरा लेक्चर तुमने देख लिया तो, गारंटी देता हूं इस बात की, गारंटी, ठीक है, वादा रहा प्यार से प्यार का, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायामैग्नेट, देखिए नॉर्मल स्टेट की मैं बात करूं, नॉर्मल स्टेट की, ठीक है, मैंने आप लोगों को वेबर का, जो मैंने आप लोगों को वेबर की थ्योरी कराई थी, वेबर की थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी पदार्थ, मैंने क्या बताया था मेरे भाई, कोई भी पदार्थ, मैंने आपको यही बताया था, कोई भी पदार्थ जो चुंबक नहीं होता है उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स, अगर मैं कोई भी पदार्थ बनाऊं उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसे रैंडमली पड़े रहते हैं, मतलब अंदर जो उसके मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, प्लीज आप लोग मेरा वेबर थ्योरी का लेक्चर जरूर देखना, ये डोमेन्स क्या होते हैं ये सब मैंने बात करी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं हेड को नॉर्थ मान लूं, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत बना दिया, देखिए अगर मैं बात करूं, ये मैंने मटीरियल बना दिया और मैं हेड को नॉर्थ मान लूं और टेल को साउथ मान लूं, ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस लेक्चर को समझेंगे। सारे हेड नॉर्थ हैं, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, एक सेकंड, सारे हेड नॉर्थ हैं,
नॉर्मल स्टेट में, मैं अभी इसको भूल जाइए, नॉर्मल स्टेट में कोई भी मैग्नेट मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, मैं आयरन ले लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, अभी एग्जांपल ले रहा हूं, नॉर्मल स्टेट में कोई भी आयरन क्या दूसरे आयरन को चिपकाता है? नहीं। इसका मतलब नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में वो आयरन का पीस अभी चुंबक नहीं बना है, और जब वो चुंबक नहीं बना है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने वेबर थ्योरी में आप लोगों को बताया था कि उसके मैग्नेटिक डोमेन तितर बितर पड़े हैं, रैंडमली अलाइंड हैं, मतलब कैसे रेखीय हैं, रैंडमली रेखीय हैं, इसीलिए उसके अंदर चुंबकत्व है ही नहीं, इसीलिए उसके अंदर क्या नहीं है मेरे भाई, चुंबकत्व नहीं है। अगर खुद सोचो, ये अगर एक ही दिशा में अलाइन हो जाए तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेट बन जाएगा अगर ये सारे एक ही दिशा में हो जाएं। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं इस चीज को कि कोई भी चुंबक, कोई भी पदार्थ पास में चुंबक लाने से वो बनता है, मैग्नेट बनता है। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पास में मैग्नेट लेके आया, मैं यहाँ पास में मैग्नेट लेके आया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पास में आप चुंबक लेके आओगे वो कहीं ना कहीं इससे हैवी होनी चाहिए, मतलब पदार्थ से हैवी होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये नॉर्थ और साउथ लेके आया, नॉर्मल स्टेट में ये कैसे अलाइंड है, रैंडमली अलाइंड है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे समझ लीजिए कि आपके मन के अंदर कुछ भी नहीं है, सब तत्तर बत्तर चल रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब पास में एक आ गई है लड़की, आहा लड़की में ऐसे क्या निकलेंगी, लाइंस, रेखाएं, ओहो मजा आ गया, यही तो चाहते थे तुम है? लड़की में से क्या निकली, रेखाएं। अब वो रेखाएं इसके अंदर गई, पर वैसे ही क्या होगा, इसका नेचर कैसा है, देखिए किसी किसी का नेचर होता है ना, डायमैग्नेट वो पदार्थ होते हैं, सबसे पहले मेरी बात सुनना, डायमैग्नेट वो पदार्थ होते हैं जो जैसे ही किसी चुंबक के प्रेजेंस में रखे जाएं, वैसे ही अपने डोमेन्स चुंबक के विपरीत दिशा में अलाइन कर लेते हैं। किसमें? चुंबक के विपरीत दिशा में अलाइन कर लेते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, इसकी रेखाएं कहां जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, मतलब रेखा कह रही है नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, डोमेन सारे अपनी आप को उल्टे अलाइंड कर देते हैं, मतलब डोमेन्स के नॉर्थ उल्टी दिशा में होंगे, और देखिए इसका नॉर्थ, लाइन का नॉर्थ इधर है तो डोमेन का नॉर्थ उसकी उल्टी दिशा में है। तो क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, आपको ये बात लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी में कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पदार्थ, ये कोई कौन सा पदार्थ है, ये डायमैग्नेट है, ये अब ये डायमैग्नेट के एग्जांपल क्या क्या है मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को, इसको बताने के बाद सबके एग्जांपल लिखवाऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल्स, आपको अपने माथे पे, अपने जो पीते हो पानी, दूध जो भी पीते हो उसमें घोल के पी जाने हैं, याद रखना। तो क्या कह रहा हूं कि ये जो डायमैग्नेट पदार्थ है, जब भी हम इसके पास में क्या रखेंगे, नॉर्थ साउथ मान लीजिए चुंबक रखी, तो ये इसके डोमेन्स क्या हो जाते हैं, उल्टी दिशा में रेखीय हो जाते हैं। दीज डोमेन्स गेट Aligned, जो लोग इंग्लिश में समझ रहे हैं इंग्लिश में समझिए, these domains get aligned opposite in the direction of magnetic field. ये domains magnetic field की दिशा के विपरीत direction में, अब ध्यान से सुनना, ये magnetic field जा रही है, domains ऐसे aligned हो रहे हैं, समझिए कैसे, समझिए कुछ प्रकार के लड़के ऐसे होते हैं कैसे, तुम्हारे जैसे नहीं, मेरे जैसे, ठीक है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि मान लीजिए वो सिंपल इधर उधर मतलब मस्ती से घूम रहे हैं, ठीक है, पास में से कोई लड़की गुजरी तो फिर क्या है, फिर क्या है जब वो लड़की गुजरी तो वो उल्टा और अपोज हो गए, मतलब हमें नहीं देखना उसकी साइड, ऐसे हो गए, हमें पसंद नहीं है। तो क्या होगा जब ये उल्टी दिशा में अलाइंड हो जाएंगे, मतलब कहने का क्या है कि इनका मन जो है, इनकी जो डोमेन्स जो है वो खुद को विपरीत दिशा में अलाइंड कर देंगे। अब देखिए मैं यहां पर रेखाएं बना नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत गंदा डायग्राम हो जाएगा, इसीलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ साउथ है तो डोमेन्स कैसे हो रहे हैं, उल्टी दिशा में। तो क्या होगा, तो जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक रेखा है, वो इस पदार्थ के अंदर होके जाएगी नहीं, क्योंकि ये जो पदार्थ है ये चुंबक बनेगा तो सही। अब देखो ये सारे नॉर्थ इधर है, सारे नॉर्थ इधर है और सारे साउथ इधर है, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ और ये पूरा का पूरा साउथ बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये पदार्थ चुंबक तो बनेगा, ये पदार्थ चुंबक तो बनेगा, पर इस पदार्थ की चुंबकता कैसी बनेगी, जो इसके साइड में, जो इसके पास में तुमने मैग्नेट रखी है उसके ठीक विपरीत दिशा में बनेगी। कैसे बनेगी, ठीक विपरीत दिशा में बनेगी। तो इस बात को नोट करके लिखिएगा, दो बातें यहां से मैं आप लोगों के माथे में, अपने तुम्हारे भेजे में गड़वा के लेके जाऊंगा, और वो बात सुनिएगा क्या होगी, कि मैग्नेटिक लाइंस जो है, एक तो
जब भी ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी जो भी मटेरियल है, जो भी एक्स वाई जेड मटेरियल है, ये एक्स का एक्स मटेरियल के एग्जांपल में अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा, ये जो भी मटेरियल है, जब इस मटेरियल को मान लीजिए ये डायामैग्नेट मटेरियल है, ये डायामैग्नेट मटेरियल है, जब भी इस डायामैग्नेट मटेरियल को इसके पास में मैं लेके जाऊंगा, मतलब रेखाओं में लेके जाऊंगा, तो ये विपरीत दिशा में अलाइन हो जाएगा। मतलब ये चुंबक बनेगा तो सही पर उल्टी दिशा में बनेगा, और जाहिर सी बात है जब ये उल्टी दिशा में चुंबक बनेगा तो इस मैग्नेट को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। आप ऐसे सोचिए कि आप कोई पदार्थ जब खुद चुंबक बन गया है और उसको चुंबक के पास में रखेंगे तो यहां तो वो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण, तो यहां पर क्या होगा, डायामैग्नेट में डायामैग्नेट क्या करते हैं, पास में रखी मैग्नेट को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपेल करते हैं, याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब क्योंकि ये रिपेल करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाएंगी, इस मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, नहीं जाएंगी, याद रखिए। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल के अंदर से पास होके नहीं गुजरेंगी, वो उसके ऊपर से होके निकल जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, प्रतिकर्षण कर रही है। क्यों, क्योंकि अब ये खुद चुंबक बन गया है, और जब ये खुद चुंबक बन गया है तो इसमें से नॉर्थ ऐसे बन रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नॉर्थ इधर बना है इसका, तो फील्ड ऐसे निकल रही होंगी। जब ये फील्ड ऐसे निकलेंगी तो फील्ड एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो ऊपर से होकर चली जाएगी, ठीक है। इतना पॉइंट तो क्या है, रिपेल करेगी, एक तो ये मटीरियल रिपेल करेगा, दूसरा पॉइंट है कि डायामैग्नेट मटीरियल से, डायामैग्नेटिक पदार्थ से, मटेरियल से रेखा रिपेल होके जाएंगी, रिपेल होके जाएंगी। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे विल नॉट एंटर इनटू दिस मटेरियल, ये इस पदार्थ के अंदर नहीं एंटर करेंगी, नहीं जाएंगी, क्लियर है इतना पॉइंट। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बहुत बताया बेटा, बहुत ज़्यादा बताया मैंने आप लोगों को, और वो बताया है आपको परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया है। परमिएबिलिटी क्या होता है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता माने कि कितनी रेखाएं उस गुजर सकती हैं किसी पदार्थ के अंदर से, वो वाला गुण होता है चुंबकशीलता। मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेखाएं गुजर सकती हैं। अब आप एक बताओ, इसके अंदर से एक भी रेखाएं गुजर रही है, नहीं गुजर रही, तो याद रखना इसकी परमिएबिलिटी पे हम लोग कमेंट करेंगे। कमेंट कर सकते हो, बोलो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक भी रेखा इसके अंदर से नहीं गुजर रही है, गुजरती तो हम परमिएबिलिटी कहते कुछ आता। याद रखना डायामैग्नेट की परमिएबिलिटी नेगेटिव होती है, मैं इन सब का चार्ट आप लोगों को, सॉरी ये जीरो होती है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, परमिएबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी जीरो होगी, मतलब बिल्कुल भी रेखाएं अंदर से होके जा ही नहीं रही है, कोई भी रेखा नहीं जा रही है। तो चुंबकशीलता मतलब ये क्या होता है, परमिएबिलिटी किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो ये बताता है कि कितनी रेखाएं अंदर से जाएंगी। तो जब यहां से रेखाएं जा ही नहीं रही हैं तो क्या हो जाएगा, इसका परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या फिर बहुत लो हो जाएगी। मतलब अगर गई तो एक आध कोई लाइन गई गलती से तो वो चली जाएगी, याद रखिएगा। मतलब या तो वो जीरो होगा या नियर टू जीरो होगा, कुछ भी कोई भी लगा सकते हो, जीरो तो आइडियली हो जाएगा, नियर टू जीरो मतलब जीरो के लगभग करीब, ठीक है। कोई अगर हजार में से एक आध कोई गई गलती से तो गई, वो वाली चीज है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, ये पेपर में पूछते हैं भैया, ये भी पूछते हैं कि डायामैग्नेट कौन से पदार्थ होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको लिखवाऊंगा ही, पर ये बात पूछते हैं कि किस कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जिसके चुंबक रखने पर, मैग्नेट रखने पर उसके डोमेन्स उल्टी दिशा में अलाइंड हो जाते हैं। मतलब ये वो लड़का मान लो जो क्या कहते हैं सख्त, जैसे कहते हैं ना सख्त लड़का, सख्त लड़का कह रहा हूं मैं, गलत सोच रहे हो तुम, मतलब इसके पास से मैग्नेट फील्ड जा रही है और ये उल्टी दिशा में और हो गया, मुंह मोड़ लिया, लो मैं हम नहीं देखेंगे तुम्हारी साइड, लो चलिए पैरामाउंट अनुचुंबकीय, इनके एग्जाम्पल भैया मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने हैं, नॉर्मल स्टेट में पैरा मैग्नेट के पदार्थ जो है वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, रैंडमली अलाइंड होते हैं। बेटा रैंडमली अलाइंड का क्या मतलब है, रैंडमली अलाइंड का मतलब है ये पहले चुंबक होती ही नहीं है, नो मैग्नेट, मतलब ये पहले से मैग्नेट नहीं होता है। अब आप खुद देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये सब कैंसिल आउट कर देंगे भाई एक दूसरे को। तो रैंडमली अलाइंड माने कि ऐसे तितर बितर पड़े रहते हैं। तो ये क्या है, इस समय इस पदार्थ के अंदर कोई चुंबकत्व है नहीं है, मतलब ये पदार्थ अपने आप में चुंबक नहीं बना है अभी, ठीक है।
अब ये कौन से पदार्थ हैं, जब इनको, अब जब इनको बगल में इनके रखी जाएगी मैग्नेट, मान लीजिए मैग्नेट रख दी इनके बगल में, आहा मजा आ गया, अब तो मैग्नेट रख दी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी यहाँ से, देखो ओहो 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ये कैसे होते हैं, ये तुम्हारे जैसे होते हैं, मतलब किसी ने लाइन मारी नहीं तो थोड़े से उसी की दिशा में चल दिए, आहा मजा आ गया, लो लो ओहो ये लो, मतलब स्ट्रांगली तो नहीं, मतलब बहुत पक्की तरीके से तो उसी दिशा में नहीं जाते, बट हाँ अपने आप को ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में रेखीय कर लेते हैं काफ़ी हद तक। मैं बहुत हद तक नहीं कह रहा, मतलब ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये लिखने वाली बातें हैं, बशर्ते कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये आपको डिपेंड करता है। अच्छा, शेयर वगैरह आजकल नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब वगैरह नहीं हो रहा है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्लास नहीं हो रही है, भैया क्लास रोज होती है, क्लास रोज होती है, बस अंतर ये होता है कि जिस दिन टेक्निकल की नहीं होती उस दिन कंप्यूटर की होती है, बस इतना अंतर होता है, याद रखें, ठीक है, क्लास रोज होती है। हाँ, तो ये पदार्थ कैसे थे, जब मैग्नेट को पास में रखा जाए तो ये अपने आप को उल्टी दिशा में अलाइन कर देते थे, और ये पदार्थ कैसे होते हैं, जब चुंबक को पास में रखा जाए तो ये उसी की दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, किसकी दिशा में, रेखाओं की दिशा में, किसकी दिशा में, रेखाओं की दिशा में, कह रहा हूँ रेखाओं की दिशा में, ठीक है, इतना पॉइंट, किसकी दिशा में, रेखाओं की दिशा में, ठीक है, तो जो रेखाएं की दिशा है उसमें ये अलाइन कर लेते हैं उसी की दिशा में, पर कैसा अलाइंड, वीकली अलाइंड कर लेते हैं, मतलब काफ़ी वीक तरीके से, मतलब कमज़ोर तरीके से, मतलब ज़्यादा हार्डली नहीं पर कमज़ोर तरीके से उसी दिशा में, किस दिशा में, मैग्नेटिक लाइंस की दिशा में, लाइंस की दिशा में अलाइन कर देते हैं, कि दिशा में अलाइन में डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। अब आप खुद बताइए, जब ये उसी दिशा में अलाइन होंगे पर कम होते हैं ज्यादा नहीं होते, तो ये पदार्थ चुंबक बनेगा तो सही, ये तो बात तय है। अब देखिए, ये पदार्थ के सारे नॉर्थ इधर हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, मतलब ये जैसा चुंबक है ठीक वैसा ही चुंबक ये भी पदार्थ बनेगा, पर ये कैसा चुंबक बनेगा, ये समान चुंबक होगा, मतलब समान चुंबक बनेगा विद द सेम पोलैरिटी, जिसे मैं कहना चाहता हूं सेम पोलैरिटी के साथ, किसके कंपैरिजन में सेम पोलैरिटी बोल रहा हूं, जो पास में चुंबक रखी है उसके कंपैरिजन में सेम पोलैरिटी यहां पर आएगी, पहला पॉइंट। इसका मतलब जब सेम पोलैरिटी आएगी, अब खुद देखिए, ये नॉर्थ इधर है, इसका भी नॉर्थ इधर है, ठीक है, तो जब सेम पोलैरिटी आएगी तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करेंगे, इस बात को बड़ी ध्यान से समझना, अट्रैक्शन तो होगा पर कैसा होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, आकर्षण तो होगा पर कैसा होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। स्ट्रांग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डोमेन्स स्ट्रांगली अलाइंड नहीं हो रहे हैं, स्ट्रांगली अलाइंड होते मतलब पूरे एक ही दिशा में होते, बिल्कुल बिल्कुल एक ही दिशा में, तो ये स्ट्रांग चुंबक बनता, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां से देखिए, अब आप, ये रिपेल कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा था, याद रखिए, मतलब प्रतिकर्षण बल दे रहा था, इसके अंदर से रेखाएं जा नहीं रही थी, इसके अंदर से तो जा रही हैं रेखाएं, इसके अंदर से तो रेखाएं जाएंगी, इस बात का बड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर से रेखाएं जाएंगी, पर याद रखिए इसमें से तो जा ही नहीं रही थी, तो ये चीज़, इसका मतलब एक बात तय है कि जब हम इसकी परमिएबिलिटी समझेंगे, मैं चार्ट बनाऊंगा मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा लेक्चर देखना, जब परमिएबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी परमिएबिलिटी कैसी है, पॉजिटिव, मतलब एक बात तय है कि काफ़ी संख्याओं में रेखाएं यहाँ से जाएंगी, काफ़ी संख्याओं में रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी। अब आप खुद सोचो, किसी ने आपको लाइन मारी, ठीक है, और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो एक बात तो तय कि तुम्हारे जो डोमेन्स हैं, मन के तार हैं, वो थोड़े से कैसे हो गए, उसी की दिशा में रेखीय हो गए, मन के तार जो हैं वो कैसे हैं, ओहो उसी की, वो ने लाइन मारी, उसी लाइन की दिशा में ही हो गए हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते कबीर सिंह, वो ये है, ये कबीर सिंह नहीं है, ये तुम्हारे जैसा लड़का है जो थोड़ा थोड़ा तो अट्रैक्ट हो रहा है, पर ये है कबीर सिंह एकदम, ये तो बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है भाई। तो इसका क्या है, मतलब इसमें कई संख्याएं जाएंगी लाइन की, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लाइन, ये तुम्हारे जैसा लड़का है ना, तो ये अपने अंदर सारी रेखाएं ले रहा है, जो लाइन आ रही हैं वो अपने अंदर से ले ले रहा है, और जब वो लाइन अंदर से जा रही हैं तो संख्या पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, मतलब जीरो से तो कहीं ज्यादा संख्या है, या तो जीरो के करीब ही थी, कोई भी जा ही नहीं रही थी लाइन। आइए इधर, फेरोमैग्नेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पैरामैग्नेट पदार्थ कैसे होते हैं, ये पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट पदार्थ कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में तो ये सब ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, कोई मतलब नहीं है, पर जब कोई लाइन मारता है इनको तो फिर ये अपना ऐसा ऐसा रंग दिखाते हैं। एग्जाम्पल आगे चार्ट में करेंगे, ठीक है।
चलिए फेरोमैग्नेट की बात करें। फेरोमैग्नेट पढ़े हैं भैया रैंडमली, आराम से सो रहे थे अभी, मस्ती से बैठे थे, कोई काम वाम था नहीं भैया, इधर उधर बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या है, कोई मैग्नेट नहीं है ये इस समय, ये कोई मैग्नेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब डोमेन्स उल्टे सीधे पड़े हैं, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई नॉर्थ साउथ चुंबक बना रहा है तो कोई साउथ नॉर्थ बना रहा है, तो ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये अभी तक चुंबक नहीं है। पर ये पदार्थ कैसे होते हैं, अब वो सुनो, वो कैसे होते हैं। जब इन पदार्थों को बगल से रखा जाए, कोई मान लीजिए ये चुंबक रखी जाए यहाँ पे, और ये तुम्हारा रहा ये तुम्हारा रहा मटीरियल। ठीक है, अब जब ये मटेरियल, अब जाहिर सी बात है भाई ये तो लाइन मारेगा, ये तो बगल में रख दिया तुमने तो लाइन तो मारेगा ही, मतलब रेखाएं निकलेंगी इसमें से, है कि नहीं भाई। अब जब इसमें से रेखाएं निकलेंगी तो भाई ये बताए कौन है, ये तो कबीर सिंह है बिल्कुल एकदम। कबीर सिंह क्या करता था अपना, हाँ लाइन आई नहीं और बिल्कुल स्ट्रांगली, बिल्कुल दीवाना हो गया ये बनता है तगड़ा मैग्नेट, इसे कहते हैं भाई जोरदार मैग्नेट बन गया ये, सारी रेखाएं इसके अंदर से जा रही हैं, तगड़ा मैग्नेट बन चुका है, सारे स्ट्रॉन्गली अलाइन हो गए। अब बस ये चिल्ला रहा है प्रीति, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सारी रेखाएं इसके अंदर से जा रही हैं, तो इसका नेचर कैसा है यही तो हमें पढ़ना है, और यही पेपर में पूछता है कि फेरोमैग्नेट का ये पदार्थ कैसे होते हैं। इन्हें जब चुंबक के पास में रखें तो इसके अंदर का डोमेन्स बिल्कुल स्ट्रांगली अलाइन हो जाता है, और जब ये स्ट्रांगली अलाइन हो जाएगा तो बहुत स्ट्रांग चुंबक बन जाएगी, बहुत स्ट्रांग चुंबक, मतलब अब ये इतनी स्ट्रांग चुंबक बन गई है कि जाहिर सी बात है जो यहाँ पर पैरामैग्नेट का नेचर था वही सब भड़के हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये अब क्या है, ये बहुत स्ट्रांग चुंबक बन गया, बहुत स्ट्रांग चुंबक। तो पहली चीज क्या, समान चुंबक तो आएगा ही आएगा, सेम पोलैरिटी तो आएगी आएगी, मतलब देखिए ये नॉर्थ साउथ था, ये भी नॉर्थ साउथ है, देखिए ना आप, ये भाई यहां पर इसका नॉर्थ है, ये इसका नॉर्थ है, भाई नॉर्थ साउथ ऐसे ही है ना, ठीक है कि नहीं, ये नॉर्थ साउथ ऐसे है, ये नॉर्थ साउथ ऐसे है, समान पोलैरिटी नॉर्थ साउथ, ठीक है सेम पोलैरिटी है। दूसरा पॉइंट, ये वीकली अट्रैक्ट कर रहा था, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि खुद सोचो जब ये बहुत स्ट्रांग चुंबक बन गया तो ये तो पहले से ही चुंबक था, ये वीक चुंबक बना था, ये तो पहले से ही चुंबक था पर ये वीक था, तो ये वीक था और ये स्ट्रांग था, तो वीक और स्ट्रांग, आहा अब आप खुद सोचो तुम ज्यादा प्यार कर रहे हो और वो नहीं इतना कर रही है तो कैसा बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होगा ना, पर ये भी प्यार करता है, ये भी प्यार करता है, आए हाय दोनों इतना आकर्षण ही आकर्षण भाई, ठीक है, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है इतना पॉइंट क्लियर है। अब जाहिर सी बात है परमियबिलिटी देखिए, रिलेटिव परमियबिलिटी देखिए, यहां पर पॉजिटिव थी, मतलब कई संख्याएं जा रही थी रेखाओं की, और यहां तो क्या है बस तुम जान ही रहे हो, यहां तो देखो कितनी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं इसके अंदर जाएंगी, तो इसकी परमियबिलिटी कैसी हो जाएगी, रिलेटिव परमियबिलिटी वेरी वेरी पॉजिटिव लार्ज, पॉजिटिव लार्ज। तो ये पेपर में पूछता है, मैं फिर से कहूंगा कि मैं इसका चार्ट बनाऊंगा, बेटा जाइएगा नहीं, पूरा लेक्चर देखिएगा, ठोक देना लाइक अगर पसंद आया हो तो, ठीक है। चलिए एंटी फेरो की बात करता हूं, प्लीज चलिए एंटी फेरो की बात करता हूं, ये क्या है परमियबिलिटी इसकी कैसी है, पॉजिटिव, और वो भी बहुत लार्ज, इसकी लार्ज नहीं थी, इसकी नॉर्मल थी, बट इसकी बड़ी लार्ज है क्योंकि इसके अंदर से होके जा रहा है। अब मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनो, जब चुंबक यहां से हटा ली जाए चुंबक, समझना तुम मेरी बात, पढ़ने वाले हैं रिटेंटिविटी, क्या पढ़ने वाले हैं रिटेंटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिटेंटिविटी। मैं बस नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, शेष चुंबकत्व कहते हैं रिटेंटिविटी, समझना बात को, शेष चुंबकत्व। अब समझना, तुम्हें प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, बड़ी तगड़ी हुई किसी से, भाई ऐसे ऐसे कबीर सिंह बन गए तुम, मतलब उसने इतनी लाइन मारी तुम्हारे अंदर और तुमने उसमें मारी, मतलब एकदम घुस गए एक दूसरे के अंदर, कबीर सिंह हो गए, मतलब पूरी एकदम रेखाएं पूरी की पूरी तुम्हारे अंदर होके जा रही हैं, तुम उसकी याद में, अब कोई रोने मत लग जाना बस यार, ये देख लेना रोने नहीं लग जाना, हाँ तो तुम बिल्कुल उसकी याद में चले गए। अब क्या हो गया, तुम बिल्कुल स्ट्रांग मैग्नेट बन गए, तुम दोनों में बिल्कुल खूब आकर्षण है, पर मान लो अब मैग्नेट नहीं रहा, दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मैग्नेट नहीं रहा, मैग्नेट कहाँ गया, आपने हटा लिया मैग्नेट, मान लीजिए ये सवाल आता है पेपर में, भाई देखो मस्ती में पेपर के कई क्वेश्चन करवा डालूंगा, अगर मैग्नेट हटा दी जाए तो पेपर में सवाल क्या रहता है, अगर मैग्नेट हटा दी जाए तो इनके अंदर कितना शेष चुंबकत्व रह जाएगा,
मतलब अगर आपकी बंदी छोड़ के चली गई आपको, तो अब आप उसकी यादों में कैसे रहोगे, मतलब कैसे हो जाओगे आप? सुनिएगा, कई तरीके के लड़के होते हैं। एक तरीके का लड़का होता है कि भाई वो छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं, हम फिर से ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे थे पहले। कोई कैसे होते हैं, कबीर सिंह जैसे, वो उनके अभी भी डोमेन्स कुछ ना कुछ उसी दिशा में लगे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, जब यहाँ से हम मैग्नेट हटाते हैं, यहाँ से जब हम मैग्नेट हटाते हैं, अगर मान लीजिए मैंने ये मैग्नेट यहाँ से हटा दी, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये जो पदार्थ है ये फिर से रैंडमली अलाइंड हो जाता है। आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बना नहीं रहा, अदरवाइज बहुत गंदगी हो जाएगी। ये अगर मैग्नेट हटा दो तो ये दोबारा से कैसा हो जाता है, तुम्हारे जैसा हो जाता है, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जैसा था पहले वैसा ही, रैंडमली अलाइंड, और रैंडमली अलाइंड मतलब नो मैग्नेट, सारे डोमेन्स तितर बितर हो जाते हैं। सेम यहाँ पर है, एक सेकंड रुकिए, पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए सेम यहाँ पर है, जब हम यहाँ से चुंबक हटाएंगे तो ये फिर से कैसा हो जाएगा, नो मैग्नेट, मतलब रैंडमली अलाइंड हो जाएगा। पर ये कबीर सिंह था, मैंने तुमको बोला था ना, और जब भी कबीर सिंह के यहाँ से हटाएंगे आप मैग्नेट, कबीर सिंह कभी भूल पाता है? नहीं भूल पाता। मतलब इसके डोमेन्स जो पूरे तरीके से अलाइन थे स्ट्रांगली, वो रहेंगे तो उसी दिशा में, पर थोड़े से अरेखीय हो जाएंगे। रहेंगे तो उसी दिशा में, बट स्ट्रांगली से थोड़े से वीक हो जाएंगे। मतलब उसके अंदर यादें रह जाएंगी, मतलब उसके अंदर शेष चुंबकत्व रह जाएगा। अब जब जाहिर सी बात है इसके डोमेन्स उसी दिशा में रेखीय हैं, तो थोड़े से जब रेखीय रह जाएंगे तो नॉर्थ साउथ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। इसका मतलब चुंबक को हटाने पर ये पदार्थ जो पहले स्ट्रांग चुंबक थे, अब चुंबक तो रह जाते हैं पर वीक चुंबक रह जाते हैं। ठीक है इतना पॉइंट। जबकि ये ऐसा नहीं था, ये कौन है, ये कबीर सिंह है। वो चली गई बंदी छोड़ के, फिर भी इसके अंदर क्या रह गई हैं, यादें रह गई हैं। उतनी तो नहीं रह गई हैं पर थोड़ी सी रह गई हैं, वही चीज़ है, सेम ऐसी। इसी को कहते हैं इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी, शेष चुंबकत्व कहते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में जब अपने लेक्चर्स में देखते हैं, अपने फुल कोर्स लेक्चर्स में देखते हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल में देखते हैं और सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलते हैं। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं बेटा, तब जाके ये एक्सपीरियंस या तजुर्बा आया है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है? तो क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये शेष चुंबकत्व इसके अंदर रह जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीफेरो और फेरी। ये मटेरियल कैसे हैं भाई, ये मटेरियल कैसे हैं? देखिए ये मटेरियल कैसे हैं, नॉर्मल स्टेट में तो ऐसे की ऐसे हैं, नॉर्मल स्टेट में तो नो मैग्नेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेंडमली अलाइंड है। ठीक है, जब इसे चुंबक के पास में रखते हैं, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि ऑनलाइन क्लास को देखने का सही तरीका क्या है, सही से सुनो। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पूरा सुनना पड़ेगा, फिर आप रिवाइंड करके लिखा करो। पहली बार में जो बंदा साथ साथ लिखेगा फंस जाएगा, बेकार है उसका, बता रहा हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि गीता में 18 चैप्टर होते हैं। गीता, अरे गीता बुक यार, गीता लड़की नहीं कोई, ठीक है? गीता बुक में 18 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में केवल और केवल अर्जुन ने बोला था, कृष्ण जी सुन रहे थे, और सब बाकी के 17 अध्याय में कृष्ण जी ने बोला और अर्जुन सुन रहे थे। कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा सबसे पहले। जो बंदा सुन रहा और लिख रहा है एक साथ, फंस जाएगा, उसको उसका नुकसान है। अब ना वो ढंग से लिख पाएगा ना वो, जो बंदा सही से सुन रहा होगा वो सुन के लिख भी लेगा अच्छे से, ठीक है ना? ये बात तो पहले सुनिए, हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए, जो लगाना है लगाइए, सुनिए सबसे पहले, याद रखिए, ठीक है? तो एंटीफेरो कैसा है, जब यहां पर पास में हम चुंबक रखेंगे इसके, और ये मैंने मान लीजिए एंटीफेरो मटेरियल रखा, नाम से पता चल रहा है एंटी है, एंटी। इसके अंदर डोमेन्स कुछ इस तरीके से रेखीय होते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल मतलब जोड़े में होते हैं। सबसे पहले तो कैसे होते हैं, एक सेकेंड,
कैसे होते हैं एंटी फेरोमैग्नेट में, मतलब इसके डोमेन्स रेखीय तो हो जाते हैं, मतलब जब जाहिर सी बात है देखिए जब यहाँ पर मैग्नेट रखोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या जाएंगी चुंबकीय रेखाएं तो जाएंगी इसके अंदर, रेखाएं जब इसके अंदर जाएंगी तो इस जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इस पदार्थ के जो डोमेन्स हैं ये अपनी आप को रेखीय तो करेंगे, पर कैसे करते हैं एंटी पैरेलल, नाम से पता चल रहा है एंटी, मतलब जोड़े में एक जोड़ा इस साइड एक जोड़ा इस साइड, जब ये दो जोड़े आपस में एक नॉर्थ साउथ बनाएगा एक साउथ नॉर्थ बनाएगा तो एक क्या कर देंगे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एंटी पैरेलल नाम है, एक इस जोड़े में एक एक दिशा में एक एक इस दिशा में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरीके से होते हैं कि जोड़ा बना लेते हैं और जोड़ा बना के क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, याद रखना क्लियर इतना पॉइंट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये पदार्थ चुंबक नहीं बन पाता, ये स्ट्रांग चुंबक बनना था, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ये वीक चुंबक बनना था, ये कैसा था, ये तो बिल्कुल विरोधी पार्टी हो जा रही थी, लाइन अंदर जा रही है पर विरोध में जा रहा है भाई, ये पदार्थ कैसा बनता है नो मैग्नेट, मतलब इस पदार्थ में चुंबकत्व पैदा नहीं हो पाती, कैंसिल आउट हो जाती है भाई। अब आप खुद सोचो इस चीज को कि कल को ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये बंदा मैग्नेट बना पर ये विपरीत दिशा में बना, ये बंदा बना वीक बना, मतलब बंदा माने पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ बना तो स्ट्रांगली बना, ये पदार्थ बना तो बन ही नहीं पाया, क्या करें इसका प्रॉपर्टी ही ऐसा है। अब यो तो देखो फुल लेक्चर्स में जब हम देखते हैं फुल डिटेल कोर्स में तो उसके अभी पीछे रीजन देखते हैं, क्या रीजन देखते हैं भाई, इसके अंदर हम ऐसा पदार्थ बना, ये एंटी फेरो, देखो चलो तुम्हें बता देता हूँ, एंटी फेरो मैग्नेट को बनाते ऐसे पदार्थ से हैं जो डाया से बना हो, डाया वाले इधर हो जाएंगे और फेरो वाले इधर हो जाएंगे, इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, मिश्र धातु के मतलब मिश्र पदार्थ मतलब मिक्सिंग करते हैं, जो डाया मैग्नेट होंगे और जो फेरो होंगे उनको मिला के बना देते हैं। आप सोचोगे जब ऐसा था तो बनाए क्यों, सारी बातें फुल डिटेल लेक्चर्स में देखते हैं यार, ठीक है। फेरी मैग्नेट की बात करें, फेरी मैग्नेट में कैसा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में मैग्नेट कभी नहीं बनेगा, नो मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी, जब मैग्नेट की प्रेजेंस में भी हम रखें, अरे मैग्नेट चुंबक की उपस्थिति में भी हम इसे रखेंगे तो ये बन नहीं पाएगा, क्या मैग्नेट नहीं बन पाएगा, क्यों, आहा इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, चलिए आइए इधर, ये नॉर्थ साउथ है, चलिए ये पदार्थ है फेरी, फेरी मैग्नेट, फेरी मैग्नेट, फेरी मैग्नेट, फेरी मैग्नेट, कैसा है इसके अलाइनमेंट, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, नॉर्मल स्टेट में तो ये भी ऐसा ही है भाई, मतलब तितर वितर पड़े हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रेस्ट कर रहा है, कोई मैग्नेट नहीं है, नो मैग्नेट, नो मैग्नेट नॉर्मल स्टेट में। देखो नॉर्मल स्टेट, फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्टेट का क्या मतलब हुआ भाई, नॉर्मल स्टेट का मतलब हुआ कोई चुंबक की प्रेजेंस में नहीं है, हाँ कोई चुंबक नहीं है आसपास में, याद रखिएगा ये चीज़। अब जब चुंबक यहाँ पर रखी तो जाहिर सी बात है क्या होगी, आहा आहा लाइन है रेखाएं, लाइन मारेंगी ये मैग्नेट्स, क्या मारेंगी लाइन, अब देखिए फेरी मैग्नेट कैसे होते हैं, जब इन्हें मैग्नेट फील्ड की प्रेजेंस में रखें तो क्या है, एक डोमेन जो एक दिशा में तो डोमेन्स अलाइंड होंगे और दूसरी दिशा में छोटे डोमेन्स अलाइंड होंगे, मतलब आप खुद सोचिए जो एक दिशा में तो दमदार सारे सारे दमदार वाले एक दिशा में हो जाएंगे, जरूरी नहीं है मैंने जो बनाया उसके उसी दिशा में हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ साउथ नॉर्थ कर दूंगा तो ये जाहिर सी बात है उल्टी दिशा में हो जाएंगे, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनना, इसमें डोमेन्स जो फील्ड की दिशा है उसी में हो रहे हैं, इसमें डोमेन्स फील्ड की दिशा में भी हो रहे हैं, कुछ डोमेन्स फील्ड की दिशा में हो रहे हैं, कुछ डोमेन्स फील्ड के अपोजिट दिशा में हो रहे हैं, और इस तरीके से हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ डोमेन्स फील्ड की दिशा में हो रहे हैं पर जो डोमेन्स अपोजिट में हो रहे हैं उनकी शक्ति कम है, किसके कंपैरिजन में, जो उस दिशा में हो रहे हैं, मतलब जो ताकतवर हैं वो एक दिशा में हैं और जो अपोजिट में हैं वो छोटे छोटे हैं, मतलब वो बेचारे उतने शक्तिशाली नहीं है वो डोमेन्स। तो इसका मतलब यहां पर जो ये मैग्नेट बन के आएगा उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा, मतलब वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इसमें से जो ये अपने आप में जो पदार्थ चुंबक बनेगा उस पदार्थ में से कुछ ना कुछ तो फ्लक्स निकलेगा, तो ये पदार्थ बनेगा पर ये कैसा बनेगा, चुंबक बनेगा, ये मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा ये, तो कैसा मैग्नेट बनेगा, वीक मैग्नेट बनेगा, कैसा मैग्नेट बनेगा, वीक मैग्नेट बनेगा। अब यहां पर एक सवाल उठेगा भाई, ये ज्यादा वीक बनता है कि पैरा ज्यादा वीक बनता है, बताइए मेरे को, ये ज्यादा वीक बनेगा या ये ज्यादा वीक बनेगा, सोचिए आप लोग,
कमेंट करिएगा मेरे को, बता देता हूं। देखिए फेरी मैग्नेट ज्यादा वीक बनेगा कि ये ज्यादा वीक बनेगा, रिटेंटिविटी हटा देता हूं, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब यहां पर बड़ी ध्यान से समझना कि इसकी परमियबिलिटी और इसकी परमियबिलिटी कैसी होगी, ये सब मैं आप लोगों को चार्ट में बताऊंगा। और ये जवाब भी मैं अभी जो आपको दूंगा कि ये ज्यादा वीक मैग्नेट बनेगा कि पैरा मैग्नेट ज्यादा वीक मैग्नेट बनेगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा चार्ट में। क्लियर इतना पॉइंट। अब मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, वो एग्जाम्पल्स आप लोग खाओ पियो जो करना है करो, पर उसे याद जरूर करके जाना भाई, पेपर में क्वेश्चन आते ही आता है, हर कीमत पे आता है, प्लीज 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 याद करके जाना। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इसको याद रखना है, डायमैग्नेट पदार्थ ऐसे कौन से पदार्थ हैं, कॉपर इंपॉर्टेंट, गोल्ड इंपॉर्टेंट, जर्मेनियम सिलिकॉन इंपॉर्टेंट, याद रखिए सिल्वर इंपॉर्टेंट, पूछता है पेपर में। आप कहोगे सर सारे तो बता दिए इंपॉर्टेंट, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो है, ये सारे मतलब ऐसे पदार्थ हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, मतलब कॉपर को तुमने रखा किसी चुंबक के पास में, तो कॉपर अपनी आप को कैसा कर लेगा, विपरीत दिशा में अलाइन कर देगा सारी अपने डोमेन्स को। ठीक है, और क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, मतलब ये मैग्नेट को रिपेल करना शुरू कर देगा। आप कभी कॉपर के बगल में मैग्नेट लेके जाना, वो प्रतिकर्षण करेगा, आकर्षण छोड़ो प्रतिकर्षण करेगा, वो एक अलग बात है कि आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आप जो लेके रखते हो अपने हाथ में वो छोटी चुंबक होती है, इतनी बड़ी चुंबक थोड़ी लेके रखते हो कि आपको इतनी तेज प्रतिकर्षण लगेगी आपका हाथ ही उड़ के बाहर चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ठीक है, तो ये सब आपको फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यार, हर पेपर में पूछते हैं, जेई से लेके एई तक में चले जाओ पूछते हो। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेट, पोटेशियम ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन, टंगस्टन Fe2O3, ठीक है, ये सॉरी ये गलत लिख दिया, ठीक है, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट, फेरोमैग्नेट की बात करें, आयरन इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट, हार्ड स्टील, हार्ड स्टील क्या है, मैंने एक और बार बताया था, पहले लेक्चर में बताया था हार्ड स्टील क्या है भाई, पेन बदल लेता हूँ, हार्ड स्टील क्या है, कार्बन प्लस स्टील, मतलब स्टील में जब हम कार्बन मिला देते हैं तो स्टील हो जाती है हार्ड, इसीलिए हार्ड बोलते हैं, सख्त स्टील हो जाती है भाई। निकल, बहुत निकल नहीं निकल, और रोशेले सॉल्ट, ये सब किस में आते हैं, फेरोमैग्नेट में, मतलब ये सब कौन है, कबीर सिंह है भाई, ये सब कबीर सिंह है। अब आप खुद देखो, आयरन तो खुद देखो कितनी स्ट्रांग चुंबक बन जाती है, ये तो सबने घर पे देखा ही है, मैग्नेट और आयरन को पास में रख दो और फिर आयरन से कुछ और चिपका के देखो, पूरा चिपकाता है आयरन, मान लो ये आयरन है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये आयरन और मैग्नेट चिपका लेते हैं। अब ये कोई दूसरी आयरन लेके आओ, ये तो लोहा है, ये अब मैग्नेट नहीं था, पर इसको मैग्नेट, इसको लोहे से चिपकाओगे तो ये भी स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो वो है ये। और आप खुद देखो, जब इसे लोहे को हटा लेते हो तो इसमें थोड़ा सा चुंबकत्व रह जाता है, याद रखिए। एंटी फेरोमैग्नेट की बात करें, क्रोमियम ऑक्साइड निकल क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्साइड निकल क्रोमियम, ठीक है। फेरी मैग्नेट की बात करें, फेराइट्स एग्जाम्पल है, फेराइट्स एग्जाम्पल है फेरी मैग्नेट टाइप के मटेरियल का, Fe2O3 जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये, याद रखिए। कई बार जेई के पेपरों में क्वेश्चन आया है, अब आप कहोगे सर जेई के पेपर का क्या करें, अरे भाई तो तुम्हारे में भी तो आ सकता है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए। वो फेरी मैग्नेट मटीरियल पेपर में पूछता है फेराइट्स कौन से मटीरियल है, तो याद रखो वो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी लो हो और रेजिस्टेंस हाई हो। मैंने क्या कहा, जिनकी विशिष्ट चालकता लो हो और रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, ऐसे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल फेराइट कहलाते हैं। मतलब फेरी मैग्नेट मटेरियल सारे फेराइट्स नहीं होते, जिनकी कंडक्टिविटी लो हो और रेजिस्टेंस हाई हो ऐसे मटेरियल फेराइट्स कहलाते हैं।
क्लियर है इतना पॉइंट? ऐसे मटेरियल फेराइट्स कहलाते हैं। तो मैं फिर से इसको डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। दोज फेरी मैग्नेटिक मटेरियल विच इज हैविंग लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टेंस, कभी कभी रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी भी दे देता है, तो दोनों ही बात लगभग एक है, विच इज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी आर द फेराइट्स। फेराइट्स वे तत्व हैं, फेराइट्स वे फेरी मैग्नेटिक पदार्थ हैं, फेराइट्स वे फेरी मैग्नेटिक पदार्थ हैं जिनकी कंडक्टिविटी लो हो, कंडक्टिविटी माने विशिष्ट चालकता, और रेजिस्टिविटी हाई हो माने विशिष्ट प्रतिरोध हाई हो, ठीक है। ऐसे पदार्थ फेराइट होते हैं, ऐसे फेरी मैग्नेटिक पदार्थ फेराइट होते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो फेराइट के बारे में ये जो सवाल है बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लियर है आप लोगों को? मिटा दूं इसको मैं। फेराइट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने में यूज होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग कोर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। मतलब वो ट्रांसफॉर्मर जो हाई फ्रिक्वेंसी पे कार्य करते हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मरों की कोर किससे बनती है? फेराइट की कोर बनती है। आप लोगों को मैं बता देता हूं जानकारी के लिए, ऐसे ट्रांसफॉर्मर जो हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट होते हैं, जैसे मान लो आपके रेडियो FM वगैरह में जो सर्किट यूज होते हैं, वहां जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, जाहिर सी बात है वो सर्किट हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, और वहां जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है उनकी कोर किससे बनती है? फेराइट से। आप कभी ट्रांसफॉर्मर, कभी रेडियो ट्रांजिस्टर को तोड़ के देखना, TV को तोड़ के देख लेना आज अपनी घर की, ठीक है? तो वहां जो ट्रांसफॉर्मर निकलेगा उसकी जो कोर होगी, उसकी कोर ना काली काली सी होगी करके, कोर जो होगी ना वो किसकी बनती है? फेराइट की बनती है। तो वो फेराइट की जो कोर होती है ना वो काली काली सी कोर होती है, जिस पर देखना कभी टर्न मिला होगा, कभी आप ट्रांजिस्टर तोड़ा होगा तो ऐसी जो है गोल गोल कोर मिलती है जिस पर टर्न लपेटे रहते हैं, वो फेराइट की बनती है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर से आपको बताता हूं। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए? ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग समझते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, KIM से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। डिटेल में देखते तो ज़रूर हम लोग इसको पूरी चीज़ जानते कि क्या होता है, बट अभी हम लोग केवल फॉर्मूला देखते हुए चलेंगे। याद रखिए आपका सवाल कोई नहीं छूटेगा। KIM की बात करें तो KIM का फॉर्मूला होता है परमिएबिलिटी माइनस वन। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा लूँ, परमिएबिलिटी क्या होती थी? μ = μ0 μr, ये होती थी सापेक्ष परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती थी, ठीक है? पूरा लेक्चर जो देखेगा वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा, नुकसान में हो जाएगा वरना जो लेक्चर नहीं देखेगा। ये होती थी रिलेटिव परमिएबिलिटी भाई, सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है? ये होती थी हवा की चुंबकशीलता, एयर परमिएबिलिटी, और इसका वैल्यू अपन सबको तो पता ही था, इसका वैल्यू क्या था? 4π × 10⁻⁷, क्या मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, हेनरी पर मीटर। और म्यू क्या था? मटीरियल की परमिएबिलिटी, मटेरियल की परमिएबिलिटी मतलब पदार्थ की परमिएबिलिटी थी, मतलब पदार्थ की चुंबकशीलता। अब यार एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने आप तो को ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, इसकी कोई यूनिट थी क्या? नो यूनिट। इसकी यूनिट क्या थी? हेनरी प्रति मीटर। अब आप खुद देखो, ये चीज़ नो यूनिट है, सापेक्ष परमिएबिलिटी नो यूनिट है, नो यूनिट में से एक को घटाया तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नो यूनिट। मतलब ससेप्टिबिलिटी की भी क्या है? नो यूनिट, डायमेंशनलेस है, यूनिट होती नहीं है ससेप्टिबिलिटी की, याद रखना, ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अब बात करेगा कोई ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, बट डिटेल में जब हम लोग फुल कोर्स लेक्चर्स में देखते हैं तो देखते हैं कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है? एक एक चीज़ समझते हैं। अब आप मेरी बात समझिए, मैंने आपको कुछ देर पहले यही बताया था कि भाई परमिएबिलिटी की किसी की पॉजिटिव है किसी की नेगेटिव है। आप ध्यान से सुनिए, डायमैग्नेट पे आइए,
डायमैग्नेट में सब अपने डोमेन्स उल्टे उल्टे अलाइंड कर देते थे, कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती थी, कोई रेखाएं अंदर जाती थी, पदार्थ के नहीं जाती थी, बहुत कम जाती थी, जीरो के करीब। तो जीरो के करीब कोई भी चीज़ माइनस करेंगे वन से तो आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी हुई, पेपर में पूछा गया है भाई, 500 बार जेई के पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं, परमिएबिलिटी के भी बारे में पूछ सकते हैं। तो परमिएबिलिटी लगभग कितनी बैठ गई, लगभग जीरो के करीब बैठती है, और ससेप्टिबिलिटी कितनी बैठती है, नेगेटिव। परमिएबिलिटी जीरो के करीब, अब जो कोई भी चीज जीरो के करीब माइनस वन होगी तो यहां माइनस में तो आंसर आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। पैरामैग्नेट की बात करें, पैरामैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि पैरामैग्नेट की म्यू आर भी कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज क्या बताई है मैंने, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर माइनस वन। देखिए एक और फॉर्मूला ससेप्टिबिलिटी का होता है, एम बाई एच। अब आप लोगों के लिए डिटेल में ज़्यादा करना नहीं है, वरना जेई के लिए ये डिटेल में जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो जेई के सिलेबस में इतना डिटेल में रहता है, बट बशर्ते मैंने फिर भी फॉर्मूला आपको यहाँ लिखवा दिया है। एम होता है मैग्नेटाइजेशन, एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन होता है ये। फेरोमैग्नेट की कैसी होती है परमिएबिलिटी, आपको मैंने बताया था फेरोमैग्नेट की परमिएबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा होती है एक से, तो कोई भी एक से कई ज़्यादा संख्या एक से माइनस करेंगे तो वो भी कैसी आएगी, हाई आएगी, पॉजिटिव आएगी। एंटी फेरो, फेरी, अब देखिए फेरी मैग्नेट की कैसी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को फेरो मैग्नेट और फेरो मैग्नेट में। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पर ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब पैरामैग्नेट से ज्यादा, पैरामैग्नेट से ज्यादा चुंबक बनती है, ये पैरामैग्नेट से ज्यादा चुंबक बनती है, ज्यादा चुंबक बनती है, मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी लार्ज है और पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो म्यू आर होगी, किसकी भाई, किसकी, इसकी फेरी मैग्नेट की, फेरी मैग्नेट की जो म्यू आर होगी, परमिएबिलिटी होगी, वो एक से कहीं ज्यादा होगी। देखो वही बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, जो बच्चा ध्यान से नहीं सुन रहा होगा, लिख रहा होगा तो उसको दिक्कत आएगी आएगी। मैंने क्या कहा, इसकी फेरी मैग्नेट के अंदर से रेखाएं जाती हैं तो इसकी परमिएबिलिटी हाई है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा में से कुछ एक माइनस करेंगे तो वो ज्यादा ही आएगा, पर याद रखिए ये पैरा मैग्नेट से ज्यादा बनती है। पूरा लेक्चर जो सुन रहा होगा, एंटी फेरो की तो बेचारे में क्या था, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाती तो है पर वो चुंबक नहीं बनता, तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी है, स्मॉल और पॉजिटिव ही बनती है, ठीक है, क्लियर है। मतलब कुछ ना कुछ तो जाती है रेखाएं, तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ संख्या बनेगी, म्यू आर की कुछ ना कुछ संख्या बनेगी, जो संख्या में से माइनस वन करेंगे तो एक स्मॉल वैल्यू तो आ ही जाएगी और पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर में, हम लोग देखेंगे कि इनका तापमान पे क्या निर्भरता होती है, ठीक है, इनका तापमान पे क्या निर्भरता होती है, लॉसेस हम लोगों को देखेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए रहता है, आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करा करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। We'll be right back.